सेल्फ असेसमेंट पेपर टू आज से करेंगे तो पहले वाला जो सेक्शन है इसका पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट हुइच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स तो यहाँ जो बोल रहा है इसमें बोल रहा है ये दोनों वॉकिंग डिस्टेंस है मतलब ये 95 है समझ लीजिए और ये वन uh, है तो ये दोनों को कवर करने के लिए मैक्सिमम कितना स्पीड करना है जैसे एग्जैक्ट मिनट में कवर होगा मैंने फ्रैक्शन में आएगा नहीं एग्जैक्ट मिनट में मतलब ये अगर समझ लीजिए पाँच हो गया मैंने पाँच मिनट में ये कवर कर रहा है मैंने ऐसे स्पीड चाहिए जैसे ये पाँच मिनट में कवर कर रहा है तो ये भी ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए सेम स्पीड में जाएगा करने से ये भी कुछ कंप्लीट हो जाएगा जैसे समझ लीजिए तेईस या ऐसे कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाएगा मतलब ये भी फाइव होगा ये भी मैंने कंप्लीट नंबर आएगा फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो इसके लिए हम लोगों को इन दोनों का एसेप निकालना पड़ता है तो नाइन्टी फाइव वन सेवेंटी वन का एसेप निकालते हैं तो यहाँ पर यह नाइन्टी फाइव जो है ये सत्रह से जाता नहीं नाइन्टी से जाएगा इससे भी जाएगा नहीं इससे भी जाएगा तो नाइन्टी ही हो जाएगा ए सी 5 आ गया ठीक 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, तो है और जाएगा नहीं ये वाला तो और जाएगा नहीं तो 19 हो गया तो नाइनटीन मीटर पर से मिनट होने से आपका ये वाला पूरा एग्जैक्ट टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा मैंने मतलब ये उन्नीस जो है ये स्पीड होगा तो ये वाला कंप्लीट होगा और ये वाला कंप्लीट होगा नाइन मिनट्स में तो नाइन मिनट्स में इतना इतना डिस्टेंस जाएगा और फाइव मिनट्स में इतना डिस्टेंस जाएगा यही बोला था ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर टू में बोला है इफ़ बीटा आर जीरो अब तक पॉली पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ के इफ ये एक तो कंडीशन दे दिया तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स माइनस के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू टू के माइनस वन ये जो पॉलिनोमियल दे दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका दोनों रूट्स बोल दिया अल्फा और बीटा तो हम लोगों का साम का कंडीशन क्या था माइनस बी बाई ए तो यहाँ पर बी क्या है ई ए वाला चीज तो ये विद साइन होता है तो माइनस पहले तो माइनस है फिर माइनस के प्लस सिक्स हो गया फिर नीचे में ए ए यहाँ पर क्या है वन है कुछ नहीं है मतलब वन है मैंने यहाँ लिख लिख सकते हैं अलग से पहले लिख लीजिए नहीं तो ए मतलब वन हो गया बी मतलब हो गया माइनस के प्लस सिक्स और सी मतलब हो गया ये वाला टू टू के माइनस वन तो एक तो ये कंडीशन आ गया नीचे वन आ गया फिर दूसरा ये थोड़ा सा सिंपलीफाई माइनस माइनस प्लस हो गया तो के प्लस सिक्स ही आ गया और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए तो सी यहाँ पर क्या है ये वाला चीज तो टू टू के माइनस वन बाई वन तो ये मल्टीप्लाई होने से फोर के माइनस टू के माइनस टू ठीक है ये दोनों कंडीशन आ गया फिर हम लोगों को यहाँ पर एक तो कंडीशन दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तो हाफ अल्फा बीटा तो यहाँ पर इसका वैल्यू बैठता है तो ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू ये वाला है तो ये यहाँ पर बैठाते हैं के प्लस सिक्स हाफ अच्छा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं करने से यही रखते हैं तो ये दो इससे कट जाएगा तो ये मत कीजिए ये यार मल्टीप्लाई नहीं करना है यही हम लोग बैठाते हैं तो ये बैठाने से क्या आएगा देखिए दो दो माइनस टू के माइनस वन तो ये कट जाएगा तो फाइनली आ गया ये तो ये इधर ले लेते हैं तो k माइनस टू के इक्वल टू माइनस वन माइनस सिक्स तो माइनस के इक्वल टू आ गया माइनस सेवन तो माइनस माइनस बहुत साइड तक कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू आ गया सेवन तो k का वैल्यू सेवन आ जाएगा सॉरी k का वैल्यू सेवन मतलब b ऑप्शन हो जाएगा दो का b ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर थ्री में देखते हैं नंबर थ्री में बोल रहा है एट हुई पॉइंट ल ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेकंड नेगेटिव एक्सिस अच्छा ये वाला जो पॉलिनोमियल इसका नेगेटिव एक्सिस का मैंने एक्स के नेगेटिव एक्सिस में जो रूट्स आएगा उसका वैल्यू पूछा है ठीक है जी जो पॉइंट मतलब सोल्यूशन या रूट्स जो बोले वो जो आएगा तो इसको पहले रूट्स निकलना है इसका जो पॉलिनोमियल है इसका रूट्स निकलना है तो रूट्स निकलते हैं माइनस फैक्टराइजेशन करना है ये इक्वल टू ज़ीरो है तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस एक्स माइनस वन फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो टू एक्स माइनस वन पड़ा रहा इधर वन कॉमन लिया टू एक्स माइनस वन पड़ा रहा तो फाइनली टू एक्स माइनस वन कॉमन चला गया थ्री एक्स प्लस वन पर रहा तो टू एक्स आयदर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो तो इक्वल टू आ जाएगा हाफ़ और थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री ठीक है तो ये दोनों रूट्स आया तो इसके अंदर कौन सी वाला आपका यहाँ पर आएगा यहाँ पर बोला माइनस माइनस इंटर एट नेगेटिव माइनस एक्सिस तो नेगेटिव माइनस एक्सिस में तो ये ही जाएगा और ये अगर नंबर लाइन में आपका एकसे, आपका एक्सिस में बैठाएंगे तो ये वाला कहाँ पर आएगा वन यहाँ पर वन समझ लीजिए तो हाफ़ यहाँ पर आएगा तो वन बाई टू यहाँ पर है और ये वाला कहाँ पर आएगा यहाँ पर, पर अगर एक होता है तो वन बाई माइनस तो मतलब यहाँ पर कहीं होगा तो ये नेगेटिव एक्सिस है एक्स एक्स डेस्ट तो ये पोर्सन नेगेटिव एक्सिस है मतलब ये वाला नंबर आपका नेगेटिव एक्सिस में काट करेगा तो ओनली ये वाला माइनस वन बाई थ्री ठीक है ये ए ऑप्शन हो जाएगा तीन का ए ठीक है चलो चार का देखते हैं चार में क्या बोल रहा है ये देखे हैज़ अच्छा इसका कितना रूट आएगा ये पूछा है <coughs> कितना रूट आएगा ये पूछा है ये फोर रियल रूट होना चाहिए बोल दिया यहाँ पर टू रियल रूट नो रियल रूट और वन रियल रूट तो इसको पहले ओपन करते हैं ब्रैकेट होल स्क्वायर को ओपन करते हैं ये करने से एक्स टू दावर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो एक्स टू दावर फोर हो गया ये दोनों मिला के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वन हो गया तो ये आपका इक्वेशन आ गया तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरली हम लोग देख के बोलते हैं इसका चार रूट्स आएगा तो ए ऑप्शन होना चाहिए लेकिन पहले इसका डी निकालना पड़ेगा डी निकलने से ही आपको समझ में आएगा इसका नेचर क्या है मैंने आदर इसका रूट हो सकता है नहीं भी हो सकता है मैंने रियल रूट भी हो सकता है अगर डी नेगेटिव आएगा देखना पड़ेगा तो डी क्या होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो यहाँ पर बी क्या है सभी एक है, है। मैंने यहाँ पर ए भी वन है बी भी वन है सी भी वन है तो माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी इसका स्क्वायर अच्छा यहाँ पर माइनस वन लिख दीजिए इसका माइनस होता है तो माइनस बी ये माइनस आपका यहाँ पर माइनस दे दिया माइनस वन इसका स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए सी वन हो गया सी भी वन हो गया तो फाइनली वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री तो ये लेस देन इक्ल टू ज़ीरो तो ये होने से क्या होता है अगर हम लोगों का डी जीरो से कम होगा तो ये नो रियल रूट होता है यह इमेजिनरी रूट भी बोल सकते हैं नो रियल रूट तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मली आपको ये देख के समझ में आएगा ये चार्ठों रूट होना चाहिए क्योंकि इसका पावर फोर है जितना पावर होता है उतना रूट होता है लेकिन पहले डी डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको निकालना पड़ेगा वो निकलने से इसका नेचर आ जाएगा मैंने रूट आ सकता है नहीं भी आ सकता है तो ये नॉन रियल रूट हो जाएगा डी आपका डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन होता है तो रूट्स आता है ठीक है और डी इक्वल टू जीरो होता है तो भी रूट्स आता है ये तो डिस्टिंक रूट आता है ये इक्वल रूट आता है मतलब इसमें दो अलग अलग रूट आता है इसमें रूट जो आएगा वो दो मैंने समझ लीजिए क्वार के क्वेश्चन का ही बोल रहा है ये दोनों अन आएगा ठीक है इसमें दो रूट्स इक्वल आएगा अगर लेस देन होता है तो क्या आएगा इसमें नो no रूट्स आएगा नो रियल रूट ठीक है मतलब इसमें रूट जो आएगा वो इमेजिनरी होगा मतलब डी का वैल्यू माइनस होने से इमेजिनरी रूट आएगा रूट के अंदर जो हम लोग को रूट निकालते हैं तो उसको उसके अंदर रूट रूट uh, के अंदर माइनस आ जाएगा इसीलिए ये नो रियल रूट होता है ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट फाइव में देखते हैं फाइव में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर हुईच इतना इतना आर कॉन्जटिव टर्म ऑफ ए पी अच्छा ए पी में होने के लिए ये तीन जो नंबर दिया है इसका कॉमन डिफरेंस एक ही आएगा तभी ये तीन नंबर ए पी में होगा मैंने डी का वैल्यू जो होता है कॉमन डिफरेंस वो एक ही आना चाहिए तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकलते हैं ये है ए थ्री ये है ए टू और ये ए वन तो हम लोग ए थ्री माइनस ए टू करते हैं फिर ए टू माइनस ए वन करते हैं तो ये अगर कंडीशन मिल जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ए पी मैंने ए पी में है तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर हुई चीज़ ए पी अच्छा यहाँ पर ए पी पहले ही बोल दिया तो इसके थ्रू एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहे तो हम लोग करते हैं तो पहले ए थ्री माइनस माइनस ये तो थ्री एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन टू फिर ये ए टू माइनस ए वन तो ये आ गया x प्लस वन माइनस टू एक्स तो क्या आ रहा है देखिए बैकेट पहले उठाते हैं माइनस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टेन माइनस टू एक्स ये दोनों को करने से टू एक्स आ जाएगा प्लस माइनस एट आ जाएगा इधर और इधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टेन माइनस एक्स को इधर ले आते आते प्लस एक्स हो जाएगा और इधर टेन प्लस एट तो थ्री एक्स इक्वल टू आ गया अठारह तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा अठारह बाई तीन इक्वल टू छः, तो एक्स का वैल्यू आ गया सिक्स तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिक्स ए ऑप्शन पाँच का ए ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर सिक्स में है शो बिलो इज राइट एंगल नोट फिगर इज नॉट स्केल अच्छा मेजर एंगल क्यू पी आर अच्छा एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया यहाँ पर तस्वीर ले, ले लेते हैं पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया पी क्यू आर यहाँ पर ये राइट right एंगल है ये वाला 90 है और हम लोगों को पूछा मेज़र ऑफ क्यू पी आर क्यू पी आर ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछा है तो इसको यहाँ पर मेजरमेंट सब दे दिया तो हम लोग इसको टेन थीटा पकड़ते हैं तो टेन थीटा टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर है और इसके संग जो है ये बेस है इसको अगर ऐसे घुमा लीजिएगा वो भी ठीक रहेगा अगर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ऐसे घुमा लीजिए तो समझ में जल्दी आ जाएगा तो ये थीटा होने से परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब बाय ये बाई ये। तो टेन इक्वल टू क्या आ जाएगा टू एक्स वाला बाय बेस ये वाला टू रूट थ्री एक्स तो से एक्स कट गया दो दो काट कट गया मतलब टेन इक्वल टू आ गया कितना वन बाई रूट थ्री तो वन बाई रूट थ्री किसका टेन थर्टी का वैल्यू है तो फाइनली इक्वल टू टेन थर्ट थर्टी डिग्री आ गया ठीक है थर्टी डिग्री आ गया तो हम लोगों का ऑप्शन बी हो, हो जाएगा छः का बी ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है इफ़ ए बी सी आर थ्री वर्टिक्स वर्टिस ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल ए बी सी देन वैल्यू ऑफ के अच्छा इसको डायरेक्ट हम लोग का करेंगे तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए ये कंडीशन क्योंकि ये इक्वल रेक्ट्राइंगल है इसीलिए ये करना है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे फिर बी सी का निकालेंगे फिर सी ए का निकालेंगे तो इसको इक्वल करेंगे यहाँ से एक ठो के का वैल्यू आ जाएगा उस सिस्टम तो आ ही जाए उस मैंने उस पॉसिडियो से आ ही जाएगा लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ से करते हैं तो ये जो वैल्यू है बी ये जीरो जीरो बोल दिया मतलब यहाँ पर यहाँ पर है इसका ठीक है ये ओरिजिन में है बी पॉइंट जो है ये ओरिजिन में है फिर बाकी ये जो तीन माइनस तीन अर्थ रूट थ्री है ये कहाँ पर आएगा समझ लीजिए एक दो तीन हो गया ऊपर में ऐसे कुछ माने रूट तीन का वैल्यू समझ लीजिए यहाँ पर है तो ये थ्री रूट थ्री आ गया और ये वाला जो कंडीशन दिया है सी का ये हो गया था ए और यहाँ पर जो आएगा ये एक माने यहाँ पर तीन आ गया ये थ्री है तो K कहाँ पर आएगा मैंने ये तो थ्री हो गया तो K पॉजिटिव या नेगेटिव अगर होता है पॉजिटिव होने से ऊपर जाएगा नेगेटिव होने से नीचे आएगा तो पॉजिटिव होने से तो ऊपर जाएगा ऐसे होने से इस टाइप का कुछ इक्वेल ट्राइंगल नहीं हो सकता है तो यहाँ पर सेम ये आना माना ये चीज ही आएगा लेकिन नीचे में आएगा तो ये यहाँ पर समझ लीजिए थ्री के हो गया ठीक है तो के का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा तो ये आपका इक्वेल ट्रायंगल हो गया ठीक है तो ये इक्वेलेटर ट्रा हो गया तो ये इक्वलेटर ट्रैंगल अगर होता है तो के का वैल्यू क्या आएगा माइनस आएगा तो कैसे निकालेंगे तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है तो यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले ठीक है इन दोनों का डिस्टेंस तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट ओवर थ्री माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर फिर प्लस रूट थ्री माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर तो क्या गया देखिए ये नाइन आ जाएगा और ये वाला प्लस थ्री आएगा मतलब ये बारह आएगा फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं तो यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा तो इन दोनों का भी डिस्टेंस क्या है रूट ओवर मैंने आपका हम लोग निकाले हैं ये ए बी सी था शायद सी था तो ए बी सी हाँ तो बी सी का निकाल रहे हैं बी सी का तो रूट ओवर थ्री माइनस ज़ीरो इसका होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा नाइन और ये प्लस के स्क्वायर तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है मतलब ये दोनों इक्वल है तो ये करने से रूट माने रूट ओवर ये आ गया तो फाइनली बारह इक्वल टू तो नाइन प्लस के स्क्वायर हो गया वो साइड को स्क्वायर किया फिर बारह माइनस नाइन टू तो के स्क्वायर हो गया तो के स्क्वायर इक्ल टू थ्री आ गया ठीक है तो के इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर थ्री लेकिन हम लोगों को माइनस ही लेना है क्योंकि माइनस लेने से ही आपको ये नीचे पोर्शन में आएगा प्लस लेने से तो ये वाला ही आ जाएगा तो ये माइनस माँच, माइनस ही ओनली होगा तो माइनस रूट थ्री आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस रूट थ्री ठीक है अच्छा माइनस रूट थ्री ये वाला तो नहीं है ये वाला नहीं है प्लस माइनस दिया है लेकिन ये आएगा नहीं अच्छा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ये आएगा नहीं आएगा ये वाला ठीक है ये ऑप्शन गलत है तो माइनस रूट थ्री इसका ऑप्शन आएगा ठीक है यहाँ पर मत लिखिएगा क्योंकि ये वाला प्लस माइनस नहीं है माने प्लस होने तो, तो ये ही कॉर्डिनेट आ गया तो ये कॉर्डिनेट तो गिवन है तो हम लोगों को ये नीचे में ही आना चाहिए तभी ये इक्वल ट्राइंगल होगा ठीक है मगर अगर ये प्लस रूट थ्री होगा तो ये इसके संग ओवरलैप हो जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो लाइन में होने से तो होगा नहीं तो हम लोगों को ये वाला है ऑप्शन होना चाहिए ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर एट में इन फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाई टू रेसिंग कार ए एंड बी टू कम्प्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक इज थर्टी मिनट्स एंड पी मिनट्स ठीक है थर्टी मिनट्स कम्प्लीट कर रहा है रेस्पेक्टिवली इफ द कार मीट एगेन एट द पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स द एशिप ऑफ इतना फिफ्टीन देन वैल्यू ऑफ पी अच्छा बी क्या वैल्यू पूछा है अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है कोई भी रेसिंग हो रहा है ए बी का तो एक राउंड मारने के लिए राउंड ऑफ ट्रैक इज थर्टी मिनट्स एंड मैंने एक ट्रैक अगर घूमेगा ए को लगेगा थर्टी मिनट्स और बी को लगेगा पी मिनट्स ठीक है तो यहाँ पर बोल है दे मीट एट अच्छा आ, ये लोग पहली बार थर्टी मिनट्स में मिल रहा है मतलब ये समझ लीजिए ये पी है हम लोगों को पी मालूम नहीं है ये बीस हो सकता है दस हो सकता है तो ये तो घूम रहा है जब मैंने ऐसे राउंड में जब घूम रहा है यहाँ से स्टार्ट करेगा ए और बी तो ये तो थर्टी मिनट्स में घूम रहा है ये घूमने के लिए थर्टी मिनट्स लग रहा है तो फिर ये वाला जो है ये कम में घूमेगा तो समझ लीजिए ये ट्वेंटी मिनट्स में घूम रहा है तो ट्वेंटी मिनट्स में जब ये थर्टी होगा तब तो इसका बी का वैल्यू यहाँ पर आएगा कहीं तो ये कभी भी मीट नहीं करेगा तो मीट कर रहा है कहाँ पर बोल रहा है नाइन्टी मिनट्स के बाद है। तो ये तीन बार घूमेगा तभी नाइन्टी मिनट्स होगा ये कितने बार घूमेगा ये मालूम नहीं है तो हम लोगों को वही निकलना है जे और इन दोनों का एच बोल दिया फिफ्टीन तो एच अगर फिफ्टीन होता है तो क्या आएगा मैंने इसके अंदर और इसके अंदर 15 होना चाहिए मतलब ये वाला जो में है जो 15 इंटू समथिंग होना चाहिए तो ये वाला अगर 15 इंटू समथिंग है तो वन है टू है जो भी है तो ये टू होने से नहीं होगा क्योंकि ये थर्टी हो जाएगा तो ये आपको कुछ ऐसा कुछ वन हो सकता है थ्री हो सकता है फाइव हो सकता है ऐसा कुछ है ठीक है तभी इसका ए सी एफ फिफ्टीन आएगा और फिर बोल रहा है यहाँ पर नाइन्टी मिनट्स पर मीटर कर रहा है मतलब नाइन्टी मिनट्स इन दोनों का ए एल सी एम है ए एल सी एम हो जाएगा नाइन्टी मिनट्स मतलब नाइन्टी दोनों का और इसका ए सी एफ बोल दिया ए सी एफ बोल दिया फिफ्टीन तो अभी यहाँ पर हम लोगों को जो पी है एक नंबर है वो निकालना है तो हम लोगों का जो कंडीशन है दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है एक तो रूल है ठीक है एचसीएफ एंड एलसीएम तो ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहां से निकल जाएगा ये थर्टी हो गया थ्री तो पी इक्वल टू आ गया फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव आपका दूसरा नंबर जो है वो फोर्टी फाइव आएगा ए नंबर ठीक है मैंने क्या किया हम लोग ये जो कंडीशन दिया है ये तो ए सी बोल दिया फिफ्टीन लेकिन ये एल आप लोगों को ये मैंने समझना है कि ये वाला नाइन्टी जो है वो एल दिया है तो एल है ये और ए तो दोनों का प्रोडक्ट दोनों का नंबर का प्रोडक्ट होता है तो एक नंबर तो थर्टी है दूसरा नंबर पी दिया था तो इन दोनों का प्रोडक्ट और एल सी एम एल ए का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा यहाँ से हम लोग पी निकाल लिया ठीक है अच्छा नाइन में देखते हैं बोल रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर के इज इतना पी नॉट इक्वल टू जीरो आई नॉट इक्वल टू टू व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंडा अच्छा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टेन के स्क्वायर पूछा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये के जो है के का वैल्यू बोल रहा है थ्री इंटू फाइव इंटू पी ये पी हम लोगों को मालूम नहीं है लेकिन पी दो नहीं होगा ऑर्टिकल टू टू बोल दिया पी कभी भी दो नहीं होगा तो तीन हो सकता है चार हो सकता है पाँच हो सकता है लेकिन दो नहीं होगा अच्छा फिर यहाँ पर जो दिया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होने से क्या होएगा तो ये वाला जो है ये तो दो इंटू फाइव हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने टेन को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दो और पाँच ही आएगा ठीक है दो पाँच आ गया और इसका वैल्यू क्या है ये वाला चीज़ तो इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं इंटू फाइव इंटू पी इसका होल स्क्वायर तो फाइनली टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री स्क्वायर हो गया इधर मान ये ब्रैकेट उठा रहे हैं तो ये पी स्क्वायर हो गया तो फाइनली दो एक ठो आ गया फिर फाइव आ गया तीन ठो फिर तीन आ गया दो ठो इंटू पी स्क्वायर ठीक है तो ये वाला देखते हैं कौन सी वाला ऑप्शन हो जाएगा दो इंटू तीन स्क्वायर तीन स्क्वायर फाइव क्यू और पी स्क्वायर तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा बाकी तो आ नहीं रहा है तो ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा नाइन का ए ठीक है अच्छा चलो नंबर टेन में देखते हैं नंबर टेन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी टी इज़ ए टेंजेंट अच्छा पी टी यहाँ पर टेंजेंट है ये भी कॉपी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा अच्छा पी टी टेंजेंट है टेंजेंट मतलब ये जो सर्किल है इसका सेंटर में ये 90 डिग्री एंगल कर रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया ठीक है पी टी टेंजेंट एट टी टू द सर्किल विद सेंटर ओ टी पी ओ टी पी ओ ये वाला 25 बोल दिया देन एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू पूछा है ये वाला क्या होगा ये पूछा है तो ये जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है इसका ये 25 है ये 90 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा 90 से 25 को निकाल देंगे तो आ जाएगा 5 इधर हो गया 3 तो 6 तो ये 65 हो गया ये वाला जो 65 हो गया तो ये 65 होने से ये टोटल कितना होता है ये स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर ये दोनों मिला के कितना होगा वन तो वन से अगर सिक्सटी को बाद दे देंगे तो ये एक्स आ जाएगा तो आ गया फाइव और इधर वन 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 तो ये वन वन फाइव आ जाएगा वैल्यू आ गया कितना वन वन फाइव तो एक सौ पंद्रह एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी ऑप्शन ठीक है दस का डी हो गया अच्छा चलो नेक्स्ट ग्यारह में बोल रहा है इफ थीटा एक कंडीशन दे दिया द वैल्यू ऑफ इतना इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है तो जो कंडीशन दिया है इसमें से पहले निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अगर इसको साइन थीटा थीटा में करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए कॉस् थीटा बाई थीटा इक्वल टू ये होता है तो यहाँ एलसीएम हो गया साइन थीटा थीटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा ये एक तो आइडेंटिटी होता है वन और नहीं तो ये रहने दीजिए आइडेंटिटी रूस मत कीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा ये इधर लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो तो फाइनली ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी तार उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर बीच में माइनस ए बी टू ए बी तो ये होल स्क्वायर फार्मूला हो गया तो होल स्क्वायर भी हटा देता है बोथ साइड को रूट कर दिया तो ये इक्वल टू जीरो आ गया तो फाइनली साइन थीटा इक्वल टू आ गया कितना कॉस थीटा ये इधर लेके आया फिर इसको नीचे लेके आते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू वन तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू वन टेन फोर्टी फाइव वन का वैल्यू तो थीटा इक्वल टू आ गया फोर्टी फाइव ये हम लोगों को मिल गया तो अभी ये थीटा यूज़ करेंगे अच्छा यहाँ पर जैसे है ये इक्वल टू यहाँ पर जीरो आया यहाँ पर वन आया कैसे आया ये यहाँ पर प्लस माइनस हो रहे थे इसीलिए ये जीरो है मतलब ये इधर जाएगा तो ये माने पॉजिटिव हो गया माने इधर जाके माइनस से प्लस हो गया लेकिन ये डिवाइडेड में ला रहा है इसीलिए यहाँ पर वन है माने ये इधर आ जाएगा तो ये जीरो क्यों नहीं हो रहा है अगर दिमाग में आएगा तो ये डिवाइडेड हो रहा है लेकिन ये प्लस माइनस हो रहा था इसीलिए जीरो आया ठीक है तो ये यहाँ पर कोई कन्फ्यूशन होना नहीं चाहिए तो पैंतालीस आ गया थर्टी फाइव का थीटा का वैल्यू पैंता फोर्टी फाइव आ गया तो यहाँ पर बैठाते हैं इसका वैल्यू पूछा है तो साइन क्यूब फोर्टी फाइव हो गया प्लस कॉस क्यूब फोर्टी फाइव हो गया तो साइन साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू होता है वन बाई रूट टू का स्क्वायर होल क्यूब हो गया ये भी क्यूब हो गया तो फाइनली ये आ जाएगा वन बाई टू रूट टू प्लस वन बाई टू रूट टू तो इसको ऐड करेंगे टू रूट टू एल हो गया तो वन प्लस वन हो गया तो टू बाई टू रूट टू हो गया टू टू कट गया तो इसको ऊपर लेने के लिए रूट से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर रहा है तो आ जाएगा रूट टू बाई टू तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन हो गया ठीक है अच्छा देख लेते हैं हाँ सी हो गया ठीक है चलो ग्यारह में बारह में देखते हैं इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी आर रिटेन ये वाला ए बी का वैल्यू बोल दिया बी का वैल्यू बोल दिया हो एक्स वाई आर प्राइम नंबर अच्छा ये वाला सब प्राइम नंबर है ठीक है मतलब ये वाला जो है ये शायद दो हो सकता है ये तीन हो सकता है पाँच हो सकता है सात हो सकता है ऐसे कुछ है ठीक है अच्छा तो फिर बोल है देन रिजल्ट ऑप्टेन बाई डिवाइडिंग रिजल्ट क्या आएगा ऑप्टेन बाई डिवाइडिंग द प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर एल सी एम इज इतना अच्छा बोल रहे इसके एल सी एम से अगर डिवाइडेड करेंगे इसका प्रोडक्ट को तो क्या रिजल्ट आएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बी का प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक्स क्यूब स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब तो हो गया एक्स टू दे और फोर और एक्स टू दे और नहीं तो रहने दीजिए ये वाला रहने दीजिए यही रहने दीजिए और इसका एलसीएम निकलता है इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मैक्सिमम जो वैल्यू होता है पावर होता है वो आता है तो यहाँ क्यूब है या वहां है तो क्यूब ही आएगा ये दो है ये तीन है तो थ्री आएगा तो ये एलसीएम हो गए इन दोनों का डिवाइडेड करने बोल रहा है एलसीएम से डिवाइडेड करने है। एल सी एम तो क्या आ जाएगा ये वाला प्रोडक्ट था इंटू एक्स वाई क्यूब और ये एल सी एम था ये वाला तो ये दोनों कट जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा एक्स पहले लिख लेते वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बी ऑप्शन हो जाएगा बारह का बी ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं अच्छा नंबर थर्टीन में बोला है द लेंथ ऑफ लेडर प्लेस अगेंस्ट ए वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन फूट एंड लेडर एंड द वॉल अच्छा क्या बोल रहा है द लेंथ ऑफ लेडर लेडर का जो लेंथ है ऐसे समझ लीजिए एक इस टाइप का है तो ये लेडर है तो इसका लेंथ क्या बोल रहा है प्लेस ए वॉल इज़ टाइस डिस्टेंस अच्छा ये वाला टूवाइस डिस्टेंस है टू एक्स समझ लीजिए बिटवीन फूट एंड लेडर अच्छा फूट ऑफ लेडर एंड वॉल फूट ऑफ लेडर एंड वॉल इन दोनों का जो डिस्टेंस है इससे ये दो गुना है ठीक है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अभी क्या बोल रहा है एंगल मेड बाई लेडर विथ द हॉराइजेंटल तो ये एंगल क्या होगा ये पूछा है तो ये 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक्स है ये टू एक्स है तो ये थीटा पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन से ये थीटा का कैसे निकलेगा माना ये आपका एक्ठू हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियास तो हाइपोटिनिया बेस का कॉस से निकलता है कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियास तो बेस यहाँ पर ये वाला है तो एक्स हो गया और हाइपोटिनियास ये है तो टू एक्स तो एक सेक्स कट गया फाइनली हाफ आ गया तो कॉस आपका थीटा का वैल्यू हाफ हो गया तो कॉस किसका वैल्यू हाफ है सिक्सटी का वैल्यू कॉस सिक्सटी कल टू तो हाफ होता है तो फाइनली थीटाइकल टू तो आ गया सिक्सटी डिग्री ठीक है ये सिक्सटी डिग्री है यहाँ पर थीटा है तो ये थीटाइकल टू तो सिक्सटी डिग्री आ गया तो ऑप्शन नंबर थर्टीन का ए हो जाएगा थर्टीन का ए ठीक है चलो चौदह में देखते हैं चौदह में बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पी क्यू मतलब हो गया पी क्यू ये वाला और पी आर पी आर पी आर हो गया ये वाला ये दोनों बोल रहा है टेंजेंट ठीक है ये दोनों टेंजेंट है ठीक है टू द सर्कल द स्केल ठीक है पेरीमीटर ऑफ एस क्यू पी एस क्यू पी इसका पेरीमीटर पूछा है ठीक है तो ये दोनों ट्रायंगल का यहां पर एक पर कॉपी कर लेते हैं देखिए है। यहां पर ये पांच बोल दिया तो ये भी टेंजेंट पांच होगा किनो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो होता है एक ही सर्कल के ऊपर वो ऑलवेज फिक्स माने मतलब एक ही वैल्यू होता है उसका तो ये फाइव होने से ये भी फाइव हो जाएगा ठीक है फाइव हो गया ये फाइव और ये फाइव तो ये एक तो क्या हो गया इक्वलेटर आइसोसलस ट्राइंगल मैंने दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलस हो गया मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ठीक है अच्छा अभी क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन में ये वाला और ये वाला साइड भी इक्वल बोल दिया ये वाला साइड और ये वाला साइड और, और ये दोनों इक्वल हो गया हम लोगों का प्रूव हो गया तो ये अगर इक्वल है तो ये यार ये साइड भी इक्वल है मतलब इन दोनों का ऑपोजिट साइड मतलब इसका और इसका जो ऑपोजिट एंगल है ये भी इक्वल होगा मतलब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो ये सिक्सटी होने से ये दोनों मिला के वन एट्टी से अगर वन एट्टी से अगर सिक्सटी को बाद दे देंगे तो ये ट्वेंटी हो गया ये दोनों इक्वल हो, हो जाएगा ये दोनों एंगल तो ये इसको दो से डिवाइडेड करेंगे तो सिक्सटी आ गया मतलब ये भी सिक्सटी ये भी सिक्सटी तो ये इक्वल ट्रा हो गया ये वाला मतलब ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पर ये साइड तो हम लोग यहाँ से पाँच निकाल लिया ठीक है तो ये अगर पाँच है तो ये भी फाइव हो जाएगा ये भी फाइव हो जाएगा तो ये तीनों का भी पेरीमीटर निकालना है पेरीमीटर ही बोला था पेरीमीटर ऑफ एस क्यू पी एस क्यू पी हाँ तीन का पेरीमीटर निकालना है तो तीन का पेरीमीटर इक्वल ट्रायंगल है तो ये फाइव इंटू थ्री आ जाएगा पंद्रह सेंटीमीटर था क्या ये सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा तो पंद्रह सेंटीमीटर मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा चौदह का सी ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस नाइन फ्रॉम द पॉइंट फोर्टी वन सी एम फ्रॉम द सेंटर अच्छा कोई सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो एक तो सार्किल दे दिया यहाँ पर क्या बोल रहा है ये जो आपका ये दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है ये रेडियस है नाइन ठीक है और सेंटर से ये सेंटर से फोर्टी वन डिस्टेंस है तो ये ऐसे टेंजेंट हो गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ तो ये लेंथ कितना है ये पूछ रहा है तो ये नाइन्टी डिग्री होता है तो ये नाइन्टी डिग्री होने से अगर इसको ऐसे एक तो ट्राइंगल कर लेंगे ये नाइन्टी डिग्री है ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है और इसका ऑपोजिट जो है ये हाइपोटिनस है यहाँ पर फोर्टी वन है और इसका जो हाइट है ये नाइन है तो फाइनली हम लोग क्या निकालने बोल रहे हैं लेंथ ये वाला ये वाला लेंथ है तो ये निकालने बोल रहा है तो ये बेस हो गया तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा नाम दे देता है ये ओ अगर देता है ये ए देता है ये बी देता है तो यहाँ पर भी ओ ये आ गया ए हो गया इधर बी हो गया तो हम लोगों को चाहिए क्या आ, अच्छा ये आ, ये हाइपोटेनियस नहीं है अच्छा तो ड्राइंग में कुछ गल गलती हो गया ये जीरो आपका जी, जो ओ है ये वाला आ गया ये वाला हाँ ये नाइन्टी डिग्री है तो बी तो बी नाइन्टी डिग्री मतलब ये वाला नाइन्टी डिग्री बी ये हो गया ए हो गया तो हम लोग को ये निकालना है ए बी ठीक है तो ए बी निकालने से क्या कैसे आएगा तो हम लोग को का थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर तो ओ बी हो गया नाइन डिग्री ए नाइनटी ए नाइन स्क्वायर और इधर रहने दीजिए ये वाला और ओ इक्वल टू हो गया फोर्टी वन स्क्वायर तो फाइनली ए बी स्क् ए स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी वन स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया तो ये आ गया कितना ये ज़ीरो इधर फिफ्टी और इधर आ गया माइनस करने से दो तो फाइनली ये सौ आ गया तो बी इक्वल टू अगर सौ होता है तो बी एक्ल टू ए बी एक्ल टू क्या आ जाएगा रूट ओवर सौ तो दस आ जाएगा तो ये वाला दस आ जाएगा अच्छा ये वाला कितना हुआ पचास फाइव फिफ्टी और यहाँ पर कितना हुआ ये नौ से सॉरी ये दो नहीं आएगा ये दोनों करने से कितना आ रहा है नौ इससे निकाल लेंगे तो ये आ गया फोर्टी थर्टी टू सॉरी थर्टी टू आएगा तो फिफ्टी हो गया और थर्टी टू हो गया तो ये वाला तो पाँच इंटू पाँच इंटू दो हो जाएगा और ये दो का दूंगा चार चार आठ आठ दूंगा सोलह सौ दूंगा बत्तीस पाँच आएगा तो फाइनली ये फाइव एक्टो मानी ये रूट करने से ये फाइव एक्ठो आएगा और यहाँ पर टोटल छो है छो में तीन टो आएगा तो फाइनली ये फाइव इंटू एट आएगा आठ पाँच टू चालीस चालीस आएगा सॉरी ये वाला नहीं आएगा तो ए बी एकल टू बी एक्ल टू आपका आ गया फोर्टी तो ये फोर्टी आएगा तो फोर्टी सेंटीमीटर पंद्रह का आएगा ठीक है पंद्रह का ए ठीक है फोर्टी सेंटीमीटर आएगा ये वाला जो है फोर्टी सेंटीमीटर आएगा फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट सिक्सटीन में देखते हैं ए कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए वेल शेप्ड एंड ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड द प्रोवाइड ऑफ गेटिंग फेस कार्ड अच्छा फेस कार्ड क्या क्या होता है फेस कार्ड आपका हो जाता है के क्यू और जे तो ये तीन कार्ड फेस कार्ड है तो ये तीन कार्ड जो है ये चार आइटम जो है स्प्रेड है डायमंड है तो फिर आपका स्प्रेड डायमंड हो गया फिर हार्ट हो गया फिर क्लाप्स हो गया ये चार का तीन तीन करके है तो थ्री इंटू फोर आ जाएगा बारह ठो टोटल फेस कार्ड. तो बारह ठो फेस कार्ड होने से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस काट क्या आ जाएगा बारह बाई टोटल आउटकम टोटल आउटकम मतलब ट्वेंटी आई फिफ्टी टू तो चार से कटिए तो चार चार ये आ गया थर्टीन और ऊपर में चार तीन चार बारह तो थ्री बाई थर्टीन आ जाएगा इसका का ऑप्शन ठीक है तो ये आ जाएगा नंबर बी ठीक है ये सोलह का बी ऑप्शन हो जाएगा अच्छा सत्रह में देखते हैं क्या है सत्रह में क्या बोल रहा है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर फ्रॉम वन टू 90 एक बॉक्स में 90 डिस्क है ठीक है से एक तो बॉक्स है एक तो बॉक्स है इसमें वन से 90 तक डिस्क है इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी प्राइम नंबर लेस देन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री से लेस होगा कितना प्राइम मैंने प्राइम नंबर होना चाहिए और ट्वेंटी थ्री से लेस होना चाहिए तो इसके बाद का जो प्राइम नंबर है एक के बाद मैंने एक से नाइन्टी तक है तो एक एक तो प्राइम नंबर नहीं है तो दो आ सकता है तीन आ सकता है चार पाँच आ सकता है चाहे सात हो गया आठ नौ दस ग्यारह सात के बाद आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बाईस तेईस तो तेईस तो बोला है लेस देन तो ये तो होना नहीं चाहिए ये बाद हो जाएगा तो ये मैक्सिमम आ सकता है तो कितना होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आठ ठो आ सकता है ठीक है और यहाँ पर वन से नाइन्टी तक तो वन से नाइन्टी तक क्या हो जाएगा वो नाइन्टी माइनस वन इक्वल टू एट्टी वन प्लस वन एक ठो ज़्यादा होता है तो नाइन्टी आ जाएगा तो नाइन्टी तो एट्टी बाई अपना प्रोलिट्री हो जाएगा प्राइम नंबर का लेस देन लेस देन प्राइम नंबर प्राइम नंबर लेस देन ट्वेंटी थ्री इक्ल टू आ जाएगा एट बाई नाइन्टी तो ये कटने से फोर आ जाएगा ये फोर्टी फाइव आ जाएगा तो फोर बाई फोर्टी फाइव अपर ऑप्शन आ जाएगा ये वाला तो ये वाला सी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है तो इसका प्रोबेबिलिटी जो ट्वेंटी थ्री से छोटा प्राइम नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी फोर बाई फोर्टी फाइव आ जाएगा ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट अठारह में बोल रहा है द इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन अच्छा एक इवेंट जो अनलाइकली हैपन मतलब सबसे कम हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू सबसे कम का प्रोबेबिलिटी क्या होता है पॉइंट के बाद जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा ठीक है मैंने पॉइंट के बाद जितना कम मैंने सबसे कम आने का संभावना कहाँ पर है इसमें ही है ये तो फिर भी थोड़ा सा सामने है मतलब पॉइंट के मैंने मतलब कितना छोटा नंबर है वो वाला इसका घटने का सबसे कम इवेंट होगा ठीक है तो अनलाइक इवेंट मतलब अनलाइकली हैपन मैंने जो हो ही नहीं सकता है तो वो वाला जितना कम संख्या होगा तो ये सबसे छोटा संख्या है ये जितना सौखा दे दिया इसमें ये सबसे छोटा है तो ये वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा ठीक है और हैपन वाला जो अनलाइकली है, हैपन मतलब जो आना नहीं चाहिए ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट अच्छा नाइनटीन में ये आपका एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है तो नाइनटीन में बोला है द इफ द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म इतना तो सम ऑफ के टर्म बोल दिया थ्री के स्क्वायर माइनस के इट इट्स कॉमन डिफरेंस सिक्स तो ये इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये सिक्स बोल दिया डी सिक्स बोल दिया फर्स्ट टर्म फाइव तो फर्स्ट टर्म फाइव है तो देखते हैं फर्स्ट टर्म फाइव है और कॉमन डिफरेंस तो इससे ये वाला मैच होता है क्या देखते हैं तो इसका जनरल जो सोल्यूशन मैंने आपका साम है तो एन टर्म या के टर्म जो भी बोलिए इसका एन टर्म का क्या सोल्यूशन हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये आपका साम uh, है तो एन के जगह आप के बैठा रहे तो एस के बैठा रहे तो के बाई टू हो गया और टू ए मतलब ये वाला आ गया फाइव टू इन फाइव हो गया प्लस ए निकल टू के हो गया और डी निकल टू हो गया सिक्स तो फाइनली क्या आ रहा है दस प्लस सिक्स के माइनस सिक्स तो के बाई टू हो गया और इधर हो गया सिक्स के माइनस प्लस फोर तो दो कॉमन ले लेते हैं तो के हो गया यहाँ पर कैसे दिया है इंटू कर दिया ठीक है तो पहले दो कॉमन ले लेते हैं ये दो कॉमन लेने से सामने दो आ गया इधर थ्री हो गया प्लस टू हो गया तो ये कट गया तो फाइनली ये थ्री के स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू के आ गया ये वाला आपका आना चाहिए तो ये वाला गलत आ गया मैंने ये आपका दिया हुआ है लेकिन ये आया नहीं मतलब ये रिलेशन गलत है तो ये पहले वाला फॉल्स हो गया तो पहले वाला फॉल्स और दूसरा वाला देखना ही नहीं है तो पहले वाला फॉल्स के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा तो ये डी ऑप्शन हो गया नेक्स्ट वाला देखना ही नहीं है रीजन का देखना ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा माना ये अगर पहले वाला फॉल्स होकर ट्रू हो या जो भी है तो पहले वाला फॉल्स ही होगा हो ठीक है तो डी ऑप्शन हो गया ये नाइन्टीन का डी हो गया ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट इसके असन में क्या बोल रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस अच्छा वाई एक्सिस में ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू कितना बोल दिया फाइव मतलब यहाँ पर फाइव तो ये हो गया ज़ीरो कोमा फाइव ठीक है बी हैज़ कोऑर्डिनेट माइनस थ्री वन तो माइनस थ्री इधर कहीं होगा और वन मतलब यहाँ पर कहीं है माइनस थ्री कॉमा वन ठीक है अच्छा ये वाला बोल दिया था ए और ये बी बी बोल दिया ठीक है ए बी इतना यूनिट लेंथ ऑफ तो अच्छा इसका डिस्टेंस बोल दिया डिस्टेंस कितना बोल दिया ए बी का ए इक्वल टू फाइव यूनिट बोल दिया तो देखते हैं फाइव यूनिट है क्या ए बी का वैल्यू क्या है रूट ओवर ये दोनों का डिस्टेंस निकल रहा है तो जीरो इधर माइनस थ्री तो माइनस थ्री माइनस जीरो इसका स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव इसका स्क्वायर तो फाइनली क्या रहा है ये थ्री होगा तो थ्री नाइन हो गया नहीं तो एक बार करके देखिए इसका ये आएगा और इसका आएगा माइनस फोर इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा नाइन और इधर आ गया सिक्सटीन तो ये पच्चीस आएगा तो पाँच आएगा ये तो ट्रू है ठीक है पहले वाला ट्रू है ये वाला ट्रू है दूसरा वाला देखते हैं द पॉइंट इतना लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना ठीक है तो इसका मतलब क्या बोल दिया एक ठो लाइन है पी क्यू पी क्यू एक्टू लाइन है ऐसे पी क्यू तो लाइन है इस टाइप का तो पी का वैल्यू बोल दिया कितना सिक्स फाइव बोल दिया और क्यू बोल दिया ये वाला जीरो को माइनस फोर बोले ये वाला परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या है मैंने ये पहले मिड पॉइंट होगा फिर ये परपेंडिकुलर मतलब नाइन्टी डिग्री होगा ये वाला तो ये कहीं इस टाइ इसमें कहीं ये पॉइंट है बोल रहा है तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा ये नीचे भी जो जहाँ पर ही हो तो ये होने से क्या होगा इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ये जो पी क्यू है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए तभी ये परपेंडिकुलर बाइसेकटर हो सकता है तो ये डिस्टेंस इक्वल है कि देख लेते हैं तब पहले पी ए निकल लेते हैं पी ए कल टू क्या हो जाएगा पी पी ए तो सिक्स माइनस टू इसका होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस सेवन इसका होल स्क्वायर तो ये हो गया चार मतलब सोलह आ जाएगा और ये हो जाएगा फाइव प्लस तीन मतलब फाइव हो गया ठीक है पाँच छः सात दो ना दो आ रहा है ये चार आएगा मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा फोर और इसका वैल्यू आ जाएगा टू ये माइनस टू है और ये फोर है तो ये दोनों को करने से ये आएगा तो ट्वेंटी आ गया फिर दूसरा देख लेते हैं ए क्यू का एक यू क्या हो जाएगा रूट ओवर जीरो माइनस टू या टू माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा चार और इधर आ जाएगा आ, ये चार और सात ग्यारह तो ग्यारह आ जाएगा तो ग्यारह होने से तो टू वन टू ये ज़्यादा आ गया वन टू फाइव आ गया तो ये फाइव रूट फाइव मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए था तो ये दोनों गलत आ गया तो ये वाला फॉल्स है तो पहले वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स ऑप्शन क्या होता है पहले वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स सी ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो गया तो ये सी आ जाएगा ठीक है अच्छा ये सेक्शन ख़त्म हो गया दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे ओके थैंक यू